अरे बाबा ये किताब उल्टी है, इसको सीधा करके पढ़ो। ये दुनिया भी उल्टा है और आपने बोतल भी उल्टा लगाया है। अगर ये बोतल उल्टी नहीं रहेगी ना तो तुम्हारी पूरी जिंदगी सीधी नहीं होगी, समझे? वैसे भाई साहब आप भी कोई सीधा नर्स नहीं है। मैं कोई भाई साहब नहीं हूँ, मैं बहन जी हूँ। मैं भी बहन जी हूँ। बाबा 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 कैसे हो बाबा? ये तुम्हारा पिताजी है? अरे इसको कुछ समझाओ, ये उल्टा किताबें पढ़ते हैं और उल्टी सीधे बातें करते रहते हैं। मेरा बच्चा। बाबा माफ करना मुझे, मैं तो यहाँ पैसे लेने आया था, मगर तू यहाँ कैसे पहुंचे? अस्पताल में पैसे ना भरने की वजह से अस्पताल वालों ने निकाल दिया, फिर सड़क पे एक अखबार में आपकी फोटो देखी तो यहाँ चली आई। कोई जीनत जी है, उन्होंने मुझे यहाँ लाया, उन्होंने मुझे खाना भी खिलाया। सुन मेरी बच्ची, सुन, मुझे पैसे मिलने वाले हैं, बस एक काम है, मुझे पागल की एक्टिंग करनी पड़ेगी, फिर सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। एक्टिंग की जरूरत नहीं है, बेहतर होगा सच ही बोलो। हमने सब सुन लिया है, तो भला हो जीनत जी का जिन्होंने तुम्हारी तस्वीर अखबार में छपवा दी और हमारे लिए बहुत सारे काम आसान कर दिए, जैसे तुम्हारा पागलपन ठीक हो गया, तुम्हारी बेटी तुम्हें मिल गई और हमारे भी कई काम आसान कर दिए। अब हमें पता चल सकेगा कि हैदर भाई पर किसने अटैक करवाया। और एक बात और, तुम्हें पैसों की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, तुम्हारी बेटी का इलाज जीनत जी करवाएंगे। साहब साहब मुझे जेल में ही रखो, अगर मैं बता के बाहर रहा तो बोलो बोलो मुझे बाहर डालेंगे सब। तुम अपना बयान देके अपनी बेटी को यहाँ छोड़ के पुणे वापस चले जाओ, इसका इलाज यहीं होगा और किसी को खबर नहीं होगी, इसकी जिम्मेदारी मैं लेती हूँ। यह मेरी दुनिया है, इसे कुछ नहीं होना चाहिए सर। बाबा गोडाउन में किसी ने आग लगा दी, क्या पूरा गोडाउन जल रहा है, जल्दी चलिए महबूब भाई। नहीं जीनत, तुमने पहली बार पीठ थपथपाने लायक काम किया है परवेश। किसी को पता तो नहीं चला? कैसे हुआ भाई? वकील हूं, सबूत नहीं छोड़ता। अंधेरे में सुतली को पेट्रोल में डुबो के दूर से आग लगा के आ गया। बात को अब तुम धीरे धीरे पठान की जगह लेने लायक बन गए हो। आप ठीक है ना? सब चल गया, सब कुछ खत्म हो गया।
अरे उसे छोड़िए ना, हम दूसरा गोडाउन बना लेंगे। ऊपर वाले का एहसान है कि आप लोग ठीक हैं। जीनत जी, आप कुछ दिनों के लिए हमारे साथ बाहर चलिए, आपका मन बदल जाएगा। मन तो हमारा उस दिन बदलेगा जिस दिन हम गोदाम में आग लगाने वाले, गहने पकड़वाने वाले और कबीर लाल तक हमारी सारी खबर पहुंचाने वाले को अपने इन हाथों से सरा देंगे। एक बार पता तो चले। वही तो हम भी कह रहे हैं, जो हुआ अच्छा नहीं हुआ। पुलिस, अन्ना, हैदर भाई जिसे हर जगह ढूंढते रहे, वो शख्स हर वक्त हमारी आंखों के सामने था और हम उसे पहचान नहीं पाए। ये सब साजिश है, हमें बसा लेंगे। तुम इन सब के गुनहगार हो। बदल रहा था और साथ ही शहर की किस्मत। जहां पे अपुन की स्कूलिंग हुई है ना, वहां पे सीधे मासूम बच्चे नहीं, कमीने हरामखोर लोग आते हैं और अपुन उन लोगों का टीचर है। भाई गलती हो गई भाई, भाई अपुन से गलती हो गई भाई। अम्मा की बदौलत। अम्मा की जिंदगी में नई चुनौतियों का अध्याय शुरू होगा, कुछ नए चेहरों के साथ।